हेलो फ्रेंड्स, अपनी कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि फर्दर प्रोविजंस क्या कहते हैं। हमने अभी तक ये जाना था कि सेक्शन 115 जेबी का एक्सप्लेनेशन 1 कहता है दो पार्ट्स के अंदर, जिसका पहला पार्ट है क्लॉज ए से लेकर क्लॉज के तक, जो कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डेबिट साइड के आइटम्स हैं उनके ऊपर हम एडजस्टमेंट करेंगे। और दूसरी तरफ जो दूसरा पार्ट है वो कहता है क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 5 तक, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड के आइटम को डील करा जाएगा। हमने अभी तक क्लॉज ए को जान लिया था, जो कहता था कि टैक्स का अमाउंट जितना भी होगा वो वापस ऐड हो जाएगा प्रॉफिट के अंदर। अगला जो क्लॉज है यानी कि क्लॉज बी क्या कहता है? क्लॉज बी कहता है द नेट प्रॉफिट एज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल बी इंक्रीज्ड बाय The amounts carried to any reserve by whatever name called। ये क्लॉज कहता है कि कंपनियां क्या करती है, प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसका कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है और कहती है कि रिजर्व तो चला गया, अब जो बचा पैसा है वो प्रॉफिट है और उसके ऊपर हम टैक्स पे करने को तैयार हैं। लेकिन सरकार कहती है कि जो रिजर्व आपने अलग किया है वो रिजर्व कहीं लगा नहीं है, कहीं खर्च नहीं हुआ, वो रिजर्व आपका अपना पैसा है भैया, उसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सरकार कहती है कि जितना प्रॉफिट में से आपने रिजर्व निकाला है और जितने अमाउंट से आपने प्रॉफिट को कम किया है उतने ही अमाउंट से प्रॉफिट को वापस ऐड कर दीजिए और जो टोटल अमाउंट बना उसके ऊपर हमें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे कर दीजिए। अब हमें कई तरह के रिजर्व के नाम पता है, जनरली जनरल रिजर्व नाम का एक रिजर्व होता है, बड़ा फेमस होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिविडेंड रिडेम्पशन रिजर्व, इस तरह के रिजर्व्स, ये सब तो कॉमन रिजर्व्स हैं। लेकिन हुआ क्या, हिंदुस्तान में कुछ कंपनियां ऐसी थी जो लॉ का हवाला देकर अक्सर रिजर्व्स को लेस कर देती थी प्रॉफिट से और उनके ऊपर मैट पे नहीं करती थी, उनको एडबैक नहीं करती थी, क्योंकि वो अपनी मजबूरी वहां पर शो करती थी सरकार के सामने। लेकिन सरकार ने क्या किया, ऐसी कंपनियों के लिए स्पेसिफिकली डायरेक्शन दे दी लॉ के अंदर कि हमें आपके इन मजबूरियों से मतलब नहीं है, हमें आपसे रिजर्व ऐड करवाना है और उस टोटल अमाउंट पे टैक्स लेना है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो बैंकिंग कंपनीज हैं इंडिया के अंदर वो अक्सर हवाला देती थी कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनको कई तरह की डायरेक्शन देती है और उनसे जबरन कुछ रिजर्व्स क्रिएट करवाती हैं, इसलिए वो रिजर्व्स बैंकिंग कंपनीज ऐड नहीं करती थी। लेकिन सरकार ने स्पेसिफिकली उसके लिए डायरेक्शन दे दी। एग्जांपल देखते हैं ऐसे रिजर्व्स का, एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 17। ये सेक्शन कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं वो सभी कंपनियां कुछ हिस्सा रिजर्व फंड नाम के एक रिजर्व में ट्रांसफर करेंगी। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 45IC। ये सेक्शन कहता है कि जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं इंडिया के अंदर वो कंपनियां भी कुछ हिस्सा प्रॉफिट का अलग से रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगी। अब बैंकिंग कंपनीज की इन सभी शिकायतों को सरकार ने एक साथ ही स्पेशली डाल दिया लॉ के अंदर और कह दिया कि ट्रांसफर मेड टू रिजर्व ऑन द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई शैल बी एडेड बैक इन प्रॉफिट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। यानी कि बुक प्रॉफिट जब भी हम कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर जो आपने प्रॉफिट निकाला है उसके अंदर जो आपने लेस कर दिया था रिजर्व का अमाउंट उसको वापस ऐड बैक कर दीजिए। इसी तरह से इनकम टैक्स लॉ के अंदर भी कुछ रिजर्व्स के बारे में बताया जाता है। तो अक्सर लोग कहते थे कि जो इनकम टैक्स के अंदर रिजर्व्स बताए गए हैं इनको भी हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इनको भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था लॉ के अंदर। फॉर एग्जांपल सेक्शन 80I के अंदर कहते हैं रिजर्व फंड क्रिएट करने के लिए, दूसरी ओर सेक्शन 10AA है जो कहता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, इसके अंदर पैसा ट्रांसफर करिए। इस तरह की रिजर्व्स को भी अगेन स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया और कहा गया कि ट्रांसफर मेड टू रिजर्व्स क्रिएटेड एज पर सेक्शन 80IA और सेक्शन 10AA एटसेट्रा, इस तरह की जितने भी सेक्शंस जो रिजर्व बनवाते हैं शैल बी एडेड बैक फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट। एक जो तीसरी चीज स्पेसिफिकली मेंशन करी गई थी वो ये थी कि लोग क्या करते हैं प्रोविजंस,
प्रोविजंस एक्सेस अमाउंट का बना देते हैं। तो अकाउंटिंग और लॉ दोनों एक नजर से देखते हैं कि जो एक्सेस प्रोविजन कंपनियां बनाती हैं, वो एक्सेस प्रोविजन जो अपनी लिमिट से बाहर का जो प्रोविजन है, लिमिट से ऊपर का जो प्रोविजन है, उसको भी रिजर्व की नजर से ही देखा जाता है। ये अकाउंटिंग का भी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगेन यहां पर जो प्रोविजन की एक लिमिट के बाहर का जो प्रोविजन बना दिया कंपनियों ने, उनको भी रिजर्व की नजर से देखा जाता है और कहा गया कि एक्सेस प्रोविजंस आर इन द नेचर ऑफ रिजर्व्स एंड शैल बी एडेड बैक टू प्रॉफिट्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट्स। एक एग्जांपल देखते हैं और हम जरा इसको अच्छे से समझते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान लीजिए कंपनी का है 1000 रुपए, इसमें से हमने टैक्स लेस कर दिया कंपनी ने 300 रुपए, प्रॉफिट बचा आफ्टर टैक्स 700 रुपए। इसमें से इस 700 रुपए में से कंपनी ने कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया रिजर्व के अंदर 100 रुपए। अब कंपनियां कहती थी कि 600 रुपए बचा हमारा अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और हम इसके ऊपर मैट पे करने को तैयार थे जब तक ये क्लॉजेस नहीं आए थे। अब जब क्लॉजेस इंसर्ट करे गए एक्सप्लेनेशन, उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ा जरा देखते हैं। जब कैलकुलेशन ऑफ मैट करेंगे तो हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उल्टा चलेंगे। हम सबसे पहले लेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 600 रुपए। अब सरकार ने क्लॉज ए याद करिए कहा था कि जितना भी टैक्स का अमाउंट आपने लेस कर दिया, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, उसको वापस एड बैक कर दीजिए प्रॉफिट के अंदर। तो टैक्सेशन ऐड कर दिया 300 रुपए, रिजर्व में जो ट्रांसफर किया था अगेन क्लॉज बी जो अभी हमने पढ़ा है 100 रुपए, इसको भी एड बैक कर दिया और बुक प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया 1000 रुपए। सरकार कहती है कि इस 1000 रुपए पे हमें चाहिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपका अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। तो मैट 18.5% के हिसाब से निकला 185 रुपए। ये हमारा खत्म होता है यहाँ पर क्लॉज बी। अगली प्रोविजंस आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।